डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है विद रियल लाइफ एग्जांपल। इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजों को सीखो और फिर एडवांस लेवल तक पहुंचो। एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम हम लोग बात करते हैं LLMs की। LLMs मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जैसे आपने सुना होगा लामा के बारे में, अभी मेटा ने लॉन्च किए लामा 3, या फिर आपने चैट जीपीटी के बारे में तो ऑब्वियसली सुना ही होगा, बर्ड के बारे में सुना होगा। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे इन सारी जो हम बात करते हैं ना, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, मतलब ये है बिल्कुल बेसिक ब्लॉक। आप मान के चलो ये है नर्सरी क्लास, और हम लोग आज बात कर रहे हैं पीएचडी की। लेकिन डायरेक्ट पीएचडी थोड़ी ना हुई है, स्टार्ट तो हमने कहां से किया है, नर्सरी से किया है, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड, इस तरीके से हम लोग मूव किए हैं। तो इसीलिए पहले आपको ये सारी चीजें बेसिक से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारे जो एलएलएम्स मॉडल्स की हम लोग बात करते हैं आज के टाइम पे, या फिर फ्यूचर में भी जो एआई की बात करते हैं, उनका स्टार्ट जो है वो यहीं से हुआ है। तो इसीलिए आपको सारी कंपोनेंट्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजों को अगर आप एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो देखो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN, इसका जो बेसिकली पर्पस क्या है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसको मिमिक करने की कोशिश की है, मतलब उसकी एक तरह से कॉपी बनाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमारा ब्रेन चीजों को कैलकुलेट करता है, चीजों को समझता है और फिर आउटपुट जनरेट करता है, उसी तरीके से हम लोग एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग इनपुट दें और हमें एक रेलेवेंट आउटपुट निकल के आए। अब जो ANN है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं, तो यहां पे सबसे पहले आते हैं न्यूरॉन्स, लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स आती हैं, कनेक्शंस, एक्टिवेशन फंक्शन। अब सबसे जो बेसिक यहां पे यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन, या जिसको हम नोड्स भी बोल देते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स है, इसको आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि ये डेटा स्टोरेज की मतलब एक तरह से इसमें क्या है, कुछ वैल्यूज, कुछ डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है। जैसे मैंने यहां पे 0.2 कुछ भी एक वैल्यू, कुछ भी एक नंबर जो है वो स्टोर किया हुआ है, तो आप एक तरह से न्यूरॉन को इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो, जहां पे कुछ वैल्यू जो है वो स्टोर की हुई है। लेयर्स क्या है, मल्टीपल लेयर्स होती है, एक एक करके चीजों को समझाऊंगा। इनपुट लेयर है, सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है जहां पे हम लोग इनपुट जो है वो देते हैं। फिर हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं जो कि कैलकुलेशंस के काम में आती हैं, जो मल्टीपल चीजों को आगे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एट द एंड है सारा यहाँ पे मैथमेटिक्स ही। हर एक चीज को हम लोग जो है वो वैल्यूज में रिप्रेजेंट करना है, फिर कैलकुलेशंस करनी है, और फाइनली मेरे को क्या जनरेट करनी है, एक आउटपुट जो है वो जनरेट करनी है। कनेक्शंस, अब ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं आपस में कनेक्टेड है, हर एक लेयर, हर एक जो एजेस से कनेक्टेड है, हर एक एजेस के साथ एसोसिएट होता है कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ बायस वैल्यू, जो एक्चुअल में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किस नेक्स्ट वैल्यू को चूज करना है, बेस्ड ऑन द वेट, बेस्ड ऑन द बायस जो है वो उन चीजों को सिलेक्ट किया जाता है। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एक है लास्ट में एक्टिवेशन फंक्शन। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, जो आउटपुट है बड़ी नॉन लीनियर से आउटपुट आ रही है, मतलब वैल्यूज आ रही है आउटपुट में, एक वैल्यू आगे 10, एक आगे 20, एक आगे 1000। अब मुझे ये नॉन लीनियर को लीनियरली करना है, मतलब एक तरह से मुझे उसको 0 और 1 के अंदर लेके आना है, मतलब वैल्यूज अलग अलग आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आउटपुट जो है वो सिर्फ 0 और 1 की रेंज के अंदर आए, ऐसे नॉन लीनियर वैल्यूज ना आए, तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करके अपनी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करूंगा इसी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं अपने डॉटर को पढ़ा रहा था, तो उसमें पता क्या था, जैसे स्टार्टिंग में नंबर्स, नर्सरी क्लास में उनको कैसे करवाते हैं, जैसे 4 को अगर रीड करना है, तो 4 को हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले अगर 4 को ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसके बाद एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब जो बड़ा कंपोनेंट है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। तो जैसे यहां पे मैं इनपुट देता हूं, तो मैंने इनपुट दिया, पहले क्या करता है, जो मेरा न्यूरल नेटवर्क होता है उसको पहले ट्रेन करना पड़ता है। जब मैंने आर्किटेक्चर बना दिया, अब मैं पहले इसको बहुत सारा डेटा देके ट्रेन करूंगा। जैसे हम छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं, उसको ABC सिखाते हैं, उसको 1 2 3 सिखाते हैं, तो 1 2 3 ऐसा नहीं है, वो पिक्चर्स जो है ना उसको तोड़ तोड़ के सीखता है कि भैया इस तरीके से ड्रॉ करना है, या बी ड्रॉ करना है तो पहले स्ट्रेट लाइन, फिर इस तरीके से एक लूप बनाया जाता है, फिर एक लूप बनाया जाता है, तो इस तरीके से जो है वो टीचर्स उनको समझाता है। तो मेरे को भी लगा कि हाँ यार, इस तरीके से चीजें बड़ी अच्छे से समझ आ सकती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन
जो छोटा बच्चा है वो भी तो लर्न कर रहा है ना, तो आप ऐसे समझो ये जो मशीन है ये भी ट्रेनिंग चल रही है इसकी। पहले इसको ट्रेन किया जाता है डेटा देके, मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर डेटा देके इसको पहले ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है कि इस तरीके से लाइन लगाओगे, तो ये जो हिडन लेयर्स हैं, इन हिडन लेयर्स में ये सारी वैल्यूज एक तरह से क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जब हम लोग इस तरीके से, मैं कुछ भी वैल्यू दे दूं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर इस तरीके से कुछ बना दिया, या मैंने ऐसे कुछ बना दिया, या मैंने हाथ से भी अगर ऐसे बना दिया ना, तो मेरा जो, मेरी जो डॉटर है वो समझ जाती है कि एक्चुअल में आप 4 नंबर की बात करो। मतलब वो सारी चीजों को क्या कर देती है, रिलेट कर देती है जो पिक्चर उसके दिमाग में बनी हुई है। तो यानी ये जो इनपुट है जो हमने सबसे पहले इसको ट्रेन किया, उस ट्रेनिंग के बेसिस पे इसने कुछ वैल्यूज जो है वो स्टोर कर ली। अब जब मैं नई वैल्यू देता हूं, जब मैं नई इनपुट देता हूं, तो वो एक्टिवेट करके चेक करता है कि भैया किसके साथ वो वैल्यू मैच कर रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है वो आउटपुट में दिखाती है। मतलब ये एक बेसिक फ्लो है कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे छोटा सा मैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ले रहा हूं, जहां पे मैं बहुत सारी लेयर्स नहीं ले रहा, एक सिंपल इनपुट लेयर लिया, यहां पे मैंने आउटपुट लिया, कोई भी हिडन लेयर बीच में नहीं ली, क्योंकि मैं एक सिंपल सा सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूं। अगर मैं बीच में हिडन लेयर लेता हूं तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम लेटर ऑन करेंगे। अभी सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि लेट्स से मेरा यहां पे एक X1 है और एक X2 मेरी इनपुट है। ये मेरी इनपुट लेयर है, ये मेरी क्या है, इनपुट लेयर है, जहां पे मैं क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं। और लेट से मैं X1 और X2 को क्या लेके चलता हूं, X1 ले लेता हूं मैं, लेट से टोटल आवर्स अ पर्सन स्टडी, टोटल आवर्स अ पर्सन स्टडी, और X2 ले लेता हूं टोटल आवर्स अ पर्सन स्लीप, ठीक है, टोटल आवर्स अ पर्सन स्लीप। अब मैं इस तरीके से कुछ X1 और कुछ X2 की वैल्यू ले रहा हूं, और यहां पे मैंने क्या दिया, कुछ वेट्स, स्टार्टिंग में जो वेट्स होती हैं, ये बायस वैल्यू होती है, ये रैंडमली जो है वो जनरेट की जाती है, रैंडमली जनरेट करके और फिर आउटपुट में जनरेट की जाती है। तो जैसे मेरे को यहां पे आउटपुट जनरेट करनी है, तो आउटपुट के लिए क्या फंक्शन, क्या हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर मुझे वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आउटपुट, तो वो कैसे जनरेट होती है, जो X1 की वैल्यू है, जो भी आपने X1 की वैल्यू ली है, जो भी आपने इनपुट वैल्यू ली है, उसको आप वेट 1 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो X2 की वैल्यू ली है उसको आप वेट 2 से मल्टीप्लाई करो, और फाइनली उसके अंदर एक बायस्ड वैल्यू, क्योंकि आपने अपनी तरफ से चीजें ली हैं, बहुत सारी वैल्यूज आपने अपनी तरफ से इनिशियली अज्यूम किया है, तो एक बायस्ड वैल्यू जो है वो आप उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, और जब ये वैल्यू आ गई तो ये क्या होगी, मेरी एक आउटपुट आ गई। लेकिन इस आउटपुट को एक्चुअल में एज इट इज जो यहां पे नहीं दिया जाता, हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करते हैं, ताकि क्योंकि ये जो आउटपुट आएगी ना, हो सकता है एक आउटपुट आ रही है 10, एक आउटपुट आ रही है 20, एक आउटपुट आ रही है 100, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी आउटपुट है ये 0 और 1 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो मैं मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकता हूं, जैसे सिग्मोइड फंक्शन है, या RELU फंक्शन है, या हाइपरबोलिक टेंजेंट, बहुत सारे फंक्शन यूज किए जाते हैं। जो सबसे मेजरली यूज किया जाता है वो है आपका सिग्मोइड। तो मैं अगर सिग्मोइड फंक्शन यूज करता हूं, तो मैं वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल क्या करता हूं, 1/(1 प्लस ई की पावर माइनस जो भी यहां पे वैल्यू आएगी, तो ये क्या करेगा, जो ये आउटपुट आ रही है ना, उस आउटपुट को 0 और 1 में शो कर देगा। जैसे हमने क्या किया, यहां पे इनिशियली बहुत सारा डेटा उठाया, मतलब जैसे आज के टाइम पे जैसे हम LLMs की बात करें, जो लार्ज मॉडल्स इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, जैसे लामा है या चैट GPT, अगर मैं GPT-3 की बात करूं, तो पेटाबाइट्स ऑफ द डेटा पे उसको ट्रेन किया हुआ है, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो मैंने क्या लिया, बहुत सारा स्टडी और स्लीप, इस तरीके से मैंने बहुत सारा डेटा उठाया, मल्टीपल कंट्रीज से डेटा उठाया कि अगर बंदा कितनी देर पढ़ता है और कितना वो सोता है, उसके हिसाब से क्या वैल्यूज रहती हैं, क्या वो पास होता है पेपर में या फेल होता है। इस तरीके से मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उठाया और मैंने अपने सिस्टम को ट्रेन किया, तो ट्रेन करता जा रहा है। इनिशियली मैंने कुछ भी W1, W2 की वैल्यू ले ली रैंडमली, सिस्टम ने उठा ली, और बायस की कुछ भी वैल्यू ले ली, और आउटपुट आई, आउटपुट में देखा, क्योंकि इनिशियली तो मैं लेबल्ड डेटा दे रहा हूं ना कि कितनी देर, लेट से वो 4 घंटे या लेट से वो 7 घंटे उसने स्टडी की, 7 घंटे वो सोया, और आउटपुट क्या है कि वो पास हो गया, और लेट से कि वो 2 घंटे पढ़ा, 8 घंटे सोया, और आउटपुट क्या है कि वो फेल हो गया, 0 मतलब फेल और 1 मतलब पास। इस तरीके से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमने दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने चेक किया कि क्या मेरी आउटपुट मैच कर रही है, जो मेरा आउटपुट यहां पे आ रही है क्या वो मेरी ओरिजिनल आउटपुट से मैच कर रही है। अगर नहीं मैच कर, क्योंकि ऑब्वियसली मैच ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली कर लेगी, बहुत सारा बीच में लॉस भी होगा, बहुत सारी वैल्यूज मिसमैच भी होंगी, तो क्या होगा, उसके बेसिस पे
W1, W2 और बायस, इसकी वैल्यूज जो है वो अपडेट होती रहेंगी, क्योंकि जितना ज्यादा लॉस होगा उतनी ज्यादा वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। तो हमें इसको बार बार जो है वो बैक प्रोपेगेट करके इसको क्या करना पड़ता है, इसको वैल्यूज को और ज्यादा ऑप्टिमल करना पड़ता है ताकि मेरी आउटपुट जो है वो सही आए। तो इनिशियल लेवल पे बहुत सारा डेटा देके इसको ट्रेन किया और फिर W1, W2 की वैल्यूज को इस तरीके से मैंने क्या किया, बार बार अपडेट किया ताकि मेरा लॉस जो है वो कम से कम हो। तो एक टाइम पे लेट से इस तरीके से कुछ वैल्यूज आ गई कि W1 जो है वो 0.5 आ गया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे W2 -0.3 आ गया और B1 जो है वो मेरा 0.1 आ गया। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ वैल्यूज मेरे पास आ गई जो कि मैंने ट्रेन किया, अब मैं एक न्यू डेटा देता हूं। लेट्स से मैंने एक न्यू डेटा दिया कि एक बंदा है वो 2 घंटे जो है वो स्टडी करता है और 8 घंटे लेट्स से सोता है। अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, ये नया डेटा है, तो नए डेटा पे अब देखो कैसे ट्रेनिंग वर्क करती है। नया ट्रेनिंग तो इसकी हो चुकी है, अब नया डेटा है, तो नया डेटा पे लेट्स से 2 मैंने X1 की वैल्यू दी 2 और W1 मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आ गया, 0.5 आ गया, जो कि ट्रेन होते 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 जो है वो चीजें हमें बचपन से ऐसी सिखाते हैं ना, पहले हम चीजों को रफली सीखते हैं फिर धीरे 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 करके हम उसको पक्का करते रहते हैं। मतलब मेरा जो W है, जो मेरा वेट्स है और जो मेरी बायस है वो एक्चुअल में क्या होती रहती है, एक्यूरेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो वो एक्यूरेट होके लेट से ये वैल्यू आ गई और ऐसे ही मैंने क्या किया, कितने घंटे वो सोता है, 8 घंटे सोता है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो वेट है वो क्या है, -0.3, ठीक है। और मैंने B1 जो है वो मेरा क्या है, ये फॉर्मूला है मेरा कि इस तरीके से हम लोग जो है वो Y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से Y0 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आई थिंक ये अराउंड -1.3 आएगा। और मैं ऑब्वियसली पहले ही बता चुका हूं कि हमने जो आउटपुट आ रही है एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करके उसको 0 और 1 में लेके आना है। तो अगर मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूं, y की वैल्यू मैं -1.3 इसके अंदर पुट करता हूं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना 0.21 समथिंग, कुछ इस तरीके से 0.2 करके कुछ वैल्यू आएगी। मतलब कहने का अगर 0 मेरा फेल है, 1 मेरा पास है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा फेल की तरफ आ रही है, मतलब 0.2 मतलब फेल की तरफ आ रही है, इसके चांसेस है, प्रोबेबिलिटी आ रही है कि भैया ये फेल हो सकता है। ऐसी अगर मैं वैल्यूज कुछ और ले लूं, लेट्स से मैं यहां पे वैल्यू ले लूं 6 और यहाँ पे वैल्यू ले लूँ 7, तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो वैल्यू जो है वो आपकी अराउंड जो है वो 0.7 0.8 के अराउंड आएगी, मतलब पास होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यार मेरी जो वेट्स हैं वो अब एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। ऑल्दो ये फिक्स नहीं होते, ये चेंज होती रहती है, ये वैल्यूज जो है वो चेंज और एक्यूरेट होती रहती हैं। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली वर्क, कि यार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है। अभी मैंने हिडन लेयर्स कुछ नहीं डाली, सिर्फ मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिया है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे, जैसे हमारा नॉर्मल ब्रेन जो है वो चीजों को सीखता है, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी वैल्यूज को सीख सीख के और ऑप्टिमाइज होता है। तो यहाँ पे आउटपुट नहीं निकालनी, हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो आउटपुट नहीं निकालना, हमारा बेसिक कंसर्न है कि हमें आउटपुट को ज्यादा ऑप्टिमल करते जाना है और ज्यादा ऑप्टिमल करते। आउटपुट तो वो दे ही देगा कुछ ना कुछ, भैया फॉर्मूला है तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगा, लेकिन मुझे उस आउटपुट को ज्यादा ऑप्टिमल करना है, ज्यादा एक्यूरेट करना है ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सही की तरफ आए। तो वो मेरा बेसिक कंसर्न है, वो धीरे धीरे करके हम आगे भी लर्न करेंगे कि कैसे इन अपडेट, इन जो वेट्स को या बायस को कैसे निकाला जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे हिडन लेयर्स को यूज किया जाता है, वो हम एक एक करके सीखेंगे। बट इसको नोट कर लेना क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरल नेटवर्क का। थैंक यू।